इधर दिल्ली के यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जलभराव की समस्या से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जैसा कि कल अंदेशा जाहिर किया गया था कि शाम होते होते जो जल स्तर है उसमें और बढ़ोतरी दर्ज हो गई। हालांकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर जो बाढ़ का पानी है वो उतर गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे एरिया हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हैं, जहां अभी भी पानी नहीं उतरा है। तो जलभराव की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं दिल्लीवासी। हालांकि यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान पर लगातार ऊपर बढ़ ही रहा है। कल भी कहा जा रहा था शाम होते होते जो ब्रिज है, जो यमुना का जलस्तर है, उसमें वापस से इजाफा होगा। हालांकि लगातार न्यूज इंडिया ने आपको पल पल की अपडेट दी है और देता रहा है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे थे किस तरीके से जो दिल्ली है वो पानी पानी हो गई है। यमुना का आसपास का जो क्षेत्र है किस तरीके से जलमग्न हो गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा ही। साथ ही साथ जिस शिविर कैंप में वह शरण लिए हुए थे वहां पर भी उचित सुविधा उनको मयसर नहीं हो पाई थी। फिलहाल तस्वीर जरा आप देखिए, 205.75 मीटर ये लोहे का जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, यहां तक पानी आने की संभावना अब जाहिर की जा रही है। हालांकि 5-6 दिन होने के बाद अब पानी जो है वो उतर रहा है, लेकिन कई ऐसे एरिया अभी भी हैं जहां पर पानी भरा हुआ है।